हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे विंडोज 7 के, जिनमें कि बैकग्राउंड कैसे आपका अप्लाई किया जाए और स्क्रीन सेवर कैसे अप्लाई किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो बैकग्राउंड तो आपको पता है, डेस्कटॉप पर हम लोग नॉर्मली कोई ना कोई पिक्चर अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे हम अपनी प्रोफाइल अपने फ़ोन पर रेगुलर चेंज करते रहते हैं, वैसे ही डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड होता है, से हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर एक डिजिटल पिक्चर्स कहलाती है, मतलब जो भी पिक्चर्स है वो अगर कंप्यूटर में चली गई तो वो डिजिटल पिक्चर्स कहलाती है। कई सारी पिक्चर्स आपके पास होती हैं और कुछ आप इंस्टॉल करते हो, रेगुलर चेंज करते रहते हो, तो ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड आपकी पिक्चर्स पर डिपेंड करता है। पिक्चर्स आपके डेस्कटॉप पर पीछे दिखाई पड़ती है, इसे चेंज करने के लिए क्या करना है हमें, ये ऑप्शंस हैं अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज पर। सबसे पहले तो स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और कंट्रोल पैनल में यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, जिनमें से अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे तो फिर पर्सनलाइज पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शंस, डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शंस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ऑप्शंस, जब आप कंट्रोल पैनल पर जाकर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आएगा। इसमें से आपको बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ दिख रही होंगी और ये मैंने जूम करके यहाँ पर दिख रही हूँ, तो कुछ 8 और 9 पिक्चर्स यहाँ पे दिखा रहा है। अब इनमें से जो पिक्चर्स आपको समझ में आती है वो वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे और ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड में चली जाएगी। तो क्लिक द पिक्चर, सेलेक्ट द कलर यू वॉन्ट एंड इट विल गो ऑन योर बैकग्राउंड। डबल क्लिक करना पड़ता है और ये पिक्चर्स आपकी बैकग्राउंड पे आ जाएगी। अब बैकग्राउंड आपने सेट कर लिया और इसे फिट करना, मतलब 3 तरीके की फिटिंग होती है। एक तो सेंटर में बैकग्राउंड को अपने पिक्चर्स जो है आपके स्क्रीन के डेस्कटॉप के बिल्कुल बीच में, जैसे ये आपका डेस्कटॉप है तो पिक्चर्स अगर यहीं पर आकर इतने में ही रहे तो उसे हम कहते हैं सेंटर पिक्चर। और अगर बहुत से बार पिक्चर्स को आपको रखना है, मतलब 1, 2, 3 और ऐसे करते हुए और फिर 6, 7 और 9 टाइम्स या 12 टाइम्स, 4-4 में डिवाइड कर दिया, इस तरीके से अगर आपकी पिक्चर करनी होती है तो इसे कहते हैं हम टाइल। टाइल तो टाइलिंग पिक्चर के फॉर्म में या सेंटर पिक्चर के फॉर्म में या स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड में क्या होता है, पिक्चर वही जो आपने सेंटर में डाली थी उसे ऐसे 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 खींच दिया जाता है तो ये पिक्चर बड़ी हो जाती है और इसे हम कहते हैं सेंटर्ड स्ट्रेच्ड पिक्चर। तो 3 तरीके से आप अपनी पिक्चर्स को देख सकते हैं। राइट क्लिक करके कैसे आप करेंगे, राइट क्लिक करके भी सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड के थ्रू आप यहां पर जा सकते हैं। अब बात आती है चेंज स्क्रीन सेवर की। तो स्क्रीन सेवर आपको पता है, जब हम अपने सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं और कुछ देर के लिए हमें कोई काम पड़ता है तो हम सिस्टम से अपने उठ के चले जाते हैं। सपोज़ करिए 10 मिनट्स के लिए और आपने टाइम सेट कर रखा था कि 10 मिनट तक अगर कोई वर्क ना करे आपके सिस्टम पे तो सिस्टम अपने स्लीप मोड में चला जाए। अब स्लीप मोड में मतलब है कि वो अपनी पावर सप्लाई को कम कर देता है और ये पता रहे कि वो स्लीप मोड में है, इसके लिए एक स्क्रीन पर कोई वर्किंग कंडीशंस में कोई चीज़ आने लगती है, जैसे वायर ऐसे बनने लगेगा या ब्लॉक्स होकर ऐसे घूमने लगेगा, ये चीज़ कहलाती है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर का मतलब है स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए सेव कर दिया जाए और वहाँ पर कुछ ऐसा वर्क चलता रहे जिससे पता चले कि अभी कंप्यूटर ऑन है लेकिन अभी वर्क नहीं करने के लिए कोई बैठा हुआ है। तो स्क्रीन सेवर बहुत सारे होते हैं, लाइव स्क्रीन सेवर भी होते हैं और कुछ स्टिल स्क्रीन सेवर होते हैं। और अगर आप कुछ नहीं स्क्रीन सेवर पर लगाते हो तो आप ब्लैंक पिक्चर लगा सकते हो, ब्लैंक डेस्कटॉप दिखाई पड़े। ज़्यादातर स्क्रीन सेवर पर जो दिखाई पड़ता है वो विंडोज़ का लोगो दिखाई पड़ता है, विंडोज़ का जो लोगो होता है, जो विंडोज़ का सिंबल होता है वो दिखाई पड़ता है। तो विंडोज 7 में भी ऐसे ही और दूसरी जगह पर भी ऐसे ही। आप उस एरिया को आप कैसे कहाँ से करते हो, तो आपको पता है पहले आपने स्टार्ट पे बटन पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, फिर अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज पे क्लिक किया,
फिर पर्सनलाइज पर जाकर स्क्रीन सेवर पर, इस बार बैकग्राउंड पे ना जाकर स्क्रीन सेवर पर क्लिक किया और स्क्रीन सेवर आपका आने लगता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन रेजोल्यूशंस गैजेट्स पर्सनलाइज। पर्सनलाइज पे क्लिक करने पर आपका वो क्वेश्चंस दिखाई पड़ने लगेगा, और पर्सनलाइज के बाद में आप जैसे ही स्क्रीन सेवर पर क्लिक करेंगे स्क्रीन सेवर वर्क करने में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है आपका स्क्रीन सेवर। यहाँ पर देखिए आप कुछ बबल्स दिख रहे होंगे, बबल्स जो हैं वो आपको प्रीव्यू में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपको ये सेलेक्ट करना है तो ये, वरना यहाँ पर आप क्लिक करिए इस ऑप्शंस पर यहाँ पर, और देखिए बबल लिखा हुआ है इस जगह पर, और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे लिस्ट में, और आपको जो चूज़ करना है वो वाला स्क्रीन सेवर आप चूज़ कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये प्रैक्टिकल है। जितना भी आप कंप्यूटर्स पे वर्क करेंगे, आपके पास कंप्यूटर है सिस्टम, तो आप वहाँ पर जाएंगे और इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। और जो रह जाते हैं जैसे ही स्कूल खुलेगा, मैं उन लोगों को इस पे वर्क कराऊंगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।